माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहां बोलने का अवसर दिया। महोदय, मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर ऑफ पावर को सूचित करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र दमन और दीव इन्होंने बिजली के दामों का बढ़ाने का एक प्रस्ताव जीआरसी ने अपना मोहर लगा रखा है, जो सभी सेक्टर जैसे कि घरेलू, खेती और उद्योग सभी को लागू किया है। महोदय, मैं आपका ध्यान इस विषय से अवगत करना चाहूंगा, घरेलू और खेती क्षेत्र मात्र 2% बिजली दमन दी में उपयोग करती है, जबकि 98% उद्योग क्षेत्र में उपयोग करती है। महोदय, आप ये जानते हैं कि दमन और दीव दिसंबर 1961 में ही भारत में शामिल हुआ था, और इस वजह दमन और दीव का विकास बाकी क्षेत्र में बहुत धीमा हुआ है। यहां के विकास के लिए लगाए जाने वाले उद्योग को टैक्स होलीडे और कम दामों में बिजली उपलब्ध किया गया था। महोदय, टैक्स होलीडे भी दमन दीव में खत्म किया गया है, और अभी उद्योग और दमन दीव की जनता के लिए बिजली एक लाइफलाइन बची है। अगर ये बिजली के दाम बढ़ाया जाएगा तो इस क्षेत्र में गहरा नुकसान हो सकता है, और कई उद्योग को ताले लगा सकता है, जिसके चलने दमन दीव में बेरोजगारी बढ़ सकती है और इसका अर्थतंत्र बिगड़ सकता है। महोदय, मत्स्य उद्योग एग्रीकल्चर मिनिस्टर का एक भाग होते हैं। इस क्षेत्र को बिजली उद्योग को दिए जाने वाले भाव में दिए जाते हैं, जो मैं समझता हूं गलत है, और इसमें भी दीव में स्थित आइस बनाने वाले फैक्ट्री जो मत्स्य उद्योग का एक हिस्सा है, तो बिजली इस उद्योग को खेती क्षेत्र को मिलता है उसी भाव पर मिलना चाहिए, क्योंकि ये आइस मछली पकड़ने वाले बोटों में उपयोग होता है। ओके, प्लीज। अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस जगह पर आपको बताना चाहूंगी, दमन और दीव करीब 3,500 करोड़ रुपए रेवेन्यू भारत सरकार को देते हैं, जो आपने अपने एक उपलब्धि है, क्योंकि ये रेवेन्यू भारत के दूसरा सबसे छोटा क्षेत्र में आता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर ऑफ पावर को अनुरोध करता हूं कि यह जो बिजली का दाम में जीआरसी ने बढ़ोतरी चाहती है, वो तात्कालिक स्थगित किया जाए और लागू न करे, दमन दीव को बनाने का मदद करे। धन्यवाद।